ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस विशेष कार्यक्रम कैसे करें गणपति को प्रसन्न में। दर्शकों, पंडित जी आपको कुछ उपाय बताएंगे जो होंगे आपके लिए लाभकारी। आइए जानते हैं कौन से हैं उपाय पंडित जी से। दोस्तों, इस बार गणेश चतुर्थी का जो पर्व है वो विशेष फल देने वाला है। जैसा मैंने आपको बताया, स्वाति नक्षत्र, गुरुवार का दिन, गणेश चतुर्थी, ऐसा संयोग बार बार नहीं आता है। तो गणेश चतुर्थी के दिन और उसके अगले 10 दिन तक, उस मध्य में यदि आप चमत्कार देखना चाहते हैं, तो आज मैं आपको भगवान गणेश जी की आराधना में किए जाने वाले कुछ विशेष उपाय मैं आपको बता रहा हूं। और मेरा दावा है कि यदि आप उपाय करते हैं श्रद्धा पूर्वक, तो निश्चित तौर पे आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो सकती हैं। सबसे पहला उपाय जो है, हमारे वो दर्शक जो कि कुमारी कन्याएं हैं, जो अपने लिए जीवन साथी की तलाश कर रही हैं, सुयोग्य वर की तलाश कर रही हैं, वो अपने विवाह की कामना के साथ में भगवान गणेश जी को अगले 10 दिन तक मालपुए अर्पण करती हैं, तो निश्चित तौर पे हमारी उन बहनों का शीघ्र विवाह होता है। और यदि हमारे दर्शकों जिनके विवाह में बाधा आ रही है, तो गणेश जी के मंदिर में जाकर ओम गणेशाय नमः या ओम गंगणपते नमः मंत्र का जाप करते हुए 108 जो पुष्प हैं वो भगवान गणेश जी को अर्पण करना, उनके ऊपर चढ़ाना है। 40 दिन तक ये उपाय आपको लगातार करना है। पुष्प अर्पण करने के बाद नियमित रूप से आरती करनी है। देखिएगा, 40 दिन के अंदर चमत्कार, सुयोग्य जीवन साथी की प्राप्ति होती है। गणेश चतुर्थी को कार्य सिद्धि हेतु यदि आप चाहते हैं कोई कार्य आपका अटका हुआ कार्य सिद्ध हो जाए, तो कार्य सिद्ध हेतु ब्राह्मण की पूजा करके गुड़ लवन घी इत्यादि का दान करने से धन की प्राप्ति होती है। भगवान गणेश जी की कृपा प्राप्त हेतु गुड़ में दुर्वा लगाकर, गुड़ ले लीजिए उसमें दुर्वा लगाकर नंदी को यानी सांड को खिलाने से निश्चित तौर पे कहीं आपका ऐसा जो पैसा फंसा हुआ है, रुका हुआ है, तो वो धन आपको प्राप्त होता है। और दुर्वा के गणेश जी बनाकर दुर्वा से ही भगवान गणपति की पूजा करना महान पुण्य पद माना जाता है। भगवान श्री गणेश जी की प्रसन्नता के लिए भगवान गणेश जी को दुर्वा अर्पण करें, मोदक अर्पण करें, गुड़ फल इत्यादि अर्पण करें, मावा मिष्ठान इत्यादि अर्पण करें। ऐसा करने से भगवान गणेश जी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। साथ साथ में गणेश जी को जल का अर्ध भी प्रदान कीजिए। जिन लोगों को धन की चाह हो, संपत्ति की चाह हो, उन्हें कमल पर बैठे हुए गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। कमल आसन पर अगर गणेश जी विराजमान है, उस पर बैठे हुए पूजा करें, क्योंकि कमल पर धन की जो देवी है माँ लक्ष्मी विराजमान होती है। और जब हम कमल के पुष्प पर बैठे गणेश जी की पूजन करते हैं, तो अप्रत्यक्ष रूप से वो माँ लक्ष्मी की भी पूजा हो जाती है। और कभी भी गणपति जी की अकेले पूजा नहीं होती है, माँ लक्ष्मी की पूजा भी उनके साथ की जाती है। यदि कोई निर्धन व्यक्ति प्रतिदिन गणेश जी के इस स्वरूप की पूजा करे जिसमें गणेश जी कमल के पुष्प विराजमान हो, तो निश्चित तौर पे उसकी निर्धनता दूर होती है, उसकी दरिद्रता दूर होती है, धन संबंधी उसकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। हमारे उन दशकों का जिनका मन काम में नहीं लगता है, डिप्रेशन में रहते हैं, दिमाग बहुत ज़्यादा तेज नहीं चलता हो, उन्हें नियमित रूप से गणेश चतुर्थी के दिन से शुरुआत करके उन्हें नियमित रूप से हरे रंग के गणेश जी की पूजा अर्चना करनी चाहिए। विद्यार्थी जो दर्शक हैं उनको भी हरे रंग के गणेश जी की पूजा अर्चना करना बहुत शुभ फल देता है, अच्छा रिजल्ट आता है, कंपटीशन में सक्सेस मिलती है। व्यापारी जो हमारे दर्शक हैं उनको भी अपने व्यापार में सफलता प्राप्त करने के लिए, शुभ लाभ रिद्धि सिद्धि प्राप्त करने के लिए हरे रंग के गणेश जी की पूजा अर्चना अवश्य करनी चाहिए। अगर आप पर भी किसी भी तरह की कोई समस्या बनी हुई है, पढ़ाई में आपका मन नहीं लगता, आपके पास धन की कमी है, आपकी समस्या के लिए गणेश जी के विशेष मंत्र जो होंगे आपके लिए लाभकारी, पंडित जी मंत्रों के बारे में जानना चाहेंगे हम आपसे। जी बिल्कुल, आइए अब जान लेते हैं कि किस विशेष समस्या के लिए गणेश जी भगवान का कौन सा विशेष मंत्र का जाप करना चाहिए। सबसे पहला और सबसे आसान मंत्र ओम गंगणपते नमः, पुनः उच्चारण सुनिए, ओम गंगणपते नमः। ये जो मंत्र है भगवान गणेश जी का त्वरित तुरंत चमत्कारिक और आर्थिक प्रगति समृद्धिदायक समस्त बाधाएं दूर करने वाला माना गया। बड़ा सरल मंत्र, ओम गंगणपते नमः, ओम गंगणपते नमः। दूसरा विशेष, यदि आप शत्रु के द्वारा किसी तांत्रिक क्रिया से पीड़ित हैं, तो उसके लिए एक विशेष मंत्र है। अपनी विविध कामनाओं की पूर्ति के लिए एक विशेष मंत्र मैं आपको बता रहा हूं, ओम वक्तुंडाय हुम,
आपकी टीवी स्क्रीन पे भी मंत्र आ रहे हैं, ओम वक टुंडाय ओम। इस मंत्र का आपको लगातार जाप करना, निश्चित तौर पे शत्रुओं का नाश होता है। तीसरा एक महत्वपूर्ण मंत्र, कौन नहीं चाहता है कि उसके जीवन में सुख प्राप्त हो, सौभाग्य प्राप्त हो, रोजगार उसको मिले, आर्थिक समृद्धि उसे मिले। तो लक्ष्मी जी, भगवान गणेश जी का एक बीज मंत्र है, ओम गोंग नमः, ओम गोंग नमः। इस मंत्र का बड़ा छोटा सा 3 अक्षर का मंत्र चमत्कारिक मंत्र है। चौथा विशेष मंत्र, लक्ष्मी की कामना किसे नहीं होती है, अपने व्यवसाय में रात दिन चौगुनी बढ़ोतरी कौन नहीं करना चाहता है। तो यदि अपने ही निर्णय के कारण, अपने ही कार्य के कारण आपको व्यवसाय में घाटा हो रहा हो, धन का अपव्यय हो रहा हो, तो एक मंत्र जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, उस मंत्र का अपनी दुकान में, अपने व्यवसायिक स्थान में भगवान गणेश जी के सम्मुख प्रतिदिन 108 बार यदि आप इस मंत्र का जाप करें और जाप के पश्चात में गौ माता को हरी सब्जी या चारा खिलाएं, तो निश्चित तौर पे आपकी धन से संबंधित सभी समस्याएं दूर होती। लिख लीजिए, आपकी टीवी स्क्रीन पे भी मंत्र आ रहा है, ओम श्रीम रीम क्लीम ग्लोम गं गणपते वर वरदेई नमः। ओम श्रीम रीम क्लीम ग्लोम गं गणपते वर वरदे नमः। इस मंत्र का जाप करना है। पांचवा विशेष मंत्र हमारे उन दशकों के लिए जिनके विवाह में बाधाएं आ रही है, सौभाग्य में वृद्धि नहीं हो रही है, उनके लिए भी एक सरल सा मंत्र है गणपति का, ओम श्रीम गं सौभाग्य गणपते वर वरद सर्वजन्मे वशमनाय स्वाहा। इस मंत्र का यदि जाप करते हैं तो निश्चित तौर पे सौभाग्य की प्राप्ति होती है। छठा, यदि आप किसी वाद विवाद के अंदर उलझे हुए हैं, कोर्ट कचहरी में यदि आप उलझे हुए हैं, मुकदमे में यदि आप उलझे हुए हैं, तो उनसे दूर होने के लिए, उन मुकदमों में सफलता प्राप्त करने के लिए भी एक भगवान गणपति का बहुत ही सरल मंत्र है, जो निश्चित तौर पे कोर्ट कचहरी में आपको विजय हासिल करवा सकता है, ओम वर वरदाय विजय गणपते नमः। ओम वर वरदाय विजय गणपते नमः। सातवां मुख्य, आजकल हर घर की समस्या है, किसी न किसी बात पे घर में कलह कलेश होता रहता है, सुख शांति की कमी हो जाती है, तो एक सरल सा मंत्र जो आपके परिवार में सुख शांति ला सकता है, कलह कलेश को खत्म कर सकता है, ओम ग्लोम गंग गणपते नमः। ओम ग्लोम गंग गणपते नमः। इस मंत्र का जाप करने से घर में सुख शांति रहती, कलह कलेश के वातावरण से मुक्ति मिलती। आठवां विशेष, दरिद्रता नाश और धन प्राप्ति हेतु, यदि आप चाहते हैं कि दरिद्रता आपका पीछा छोड़ दे, माँ लक्ष्मी आपके घर में, आपके जीवन में स्थायी रूप से निवास करने लगे, तो एक बहुत ही लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने वाला ओम गंग लक्ष्मयो आगच्छ आगच्छ फट, ओम गंग लक्ष्मयो आगच्छ आगच्छ फट। इस मंत्र का जाप करते हैं तो निश्चित तौर पर दरिद्रता आपके घर के, आपके जीवन के आसपास फटक भी नहीं सकती है। नवा विशेष मंत्र, व्यापार में आ रही बाधाओं को दूर करने के लिए, व्यापार में निरंतर उन्नति के लिए, ओम गणेश महालक्ष्मी नमः। ओम गणेश महालक्ष्मी नमः। इस मंत्र का जाप कीजिए कम से कम 108 बार। पन्ने की माला से कर सकें तो अति उत्तम है। दसवां विशेष मंत्र हमारे उन दशकों के लिए, निसंतान दंपतियों के लिए जिनके संतान नहीं हो रही है, ओम गंग गणपते पुत्र वरदाय नमः। ओम गंग गणपते पुत्र वरदाय नमः। तो इस मंत्र के जाप करने से निश्चित तौर पर संतान की प्राप्ति होती है। इन मंत्रों के अतिरिक्त गणपति अथर्वशी संकटनाशक गणेश स्त्रोत, संतान गणपति स्त्रोत, ऋणहर्ता गणपति स्त्रोत, गणेश चालीसा का पाठ करने से निश्चित तौर पर भगवान गणेश जी की शीघ्र कृपा प्राप्त होती है। उम्मीद है इस गणेश चतुर्थी आपके घर पर सौभाग्य आएगा। पंडित जी ने जो उपाय आपको बताए हैं, इस गणेश चतुर्थी पर आप जरूर करें। हमारे स्टूडियो में आने के लिए और दर्शकों को इतनी सारी जानकारी देने के लिए पंडित जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी दर्शकों को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान गणपति आपके जीवन में शुभ लाभ वृद्धि सहित आपके जीवन में विराजमान रहे। जय माँ काली। दर्शकों, आपसे इजाजत चाहेंगे, खुश रहिए और अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।